हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, आपने दुनिया में मौजूद बहुत से खूबसूरत, हसीन, अमीर तरीन और लग्जरी लाइफस्टाइल से लेकर मॉडर्न और एडवांस शहरों के बारे में देखा या सुना तो होगा, जहां जाने के लिए हर कोई ख्वाहिश या कोशिशों में लगा रहता है। मगर आज मैं आपको दुनिया के चंद उन शहरों के बारे में बताने वाला हूँ, जहाँ पर कदम रखते ही आपकी जान जा सकती है या आप किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। और एक ऐसा शहर भी है कि जिसका नाम सुनकर ही लोग डर जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। यूरोपन शहर, ये शहर मेक्सिको में मौजूद है, जो अपने जराइम और गैंगस्टर्स की वजह से जाना जाता है। यहाँ पर ऐसे ऐसे पुरतशद्दुद वाकयात होते हैं कि आप भी कानों को हाथ लगाएंगे। ये शहर वैसे तो मेक्सिको के सरसब्ज और शादाब पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है, जिसके इर्द गिर्द जंगलात मौजूद हैं। मगर देखने में ये जितना हसीन है, इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। ये शहर मेक्सिको के बदनामे जमाना गैंगस्टर जी गैंगस्टर का घर है, जो मंशियात का धंधा, अगवा, कत्लो गारत और जिनसी ज्यादतियों के लिए जाने जाते हैं। इस शहर में बाहर से आने वालों के साथ लूट मार या अगवा मामूली सी बात है, तो इस शहर में जाने से पहले एक नहीं बल्कि 1000 बार सोचकर कदम रखिएगा। नंबर 2, जमोरा सिटी। ये शहर भी मेक्सिको में ही मौजूद है, और इस शहर पर भी गैंगस्टर्स का राज चलता है, और यहाँ हर महीने 2000 से ज्यादा लोग कत्ल हो जाते हैं। यहाँ के गैंगस्टर आपस में लड़ते, यहाँ तक कि ये पुलिस और आम लोगों को भी कत्ल कर डालते हैं। और इस शहर में भी अगवा, कत्ल, डकैती और मंशियात की खरीदो फरोख्त का काम किया जाता है। नंबर 3, क्राकस। दोस्तों, ये जनूबी अमेरिका के एक इंतहाई खतरनाक शहर के बारे में जानकर आप भी हिल जाएंगे। ये शहर वेनेजुएला मुल्क में क्राकस के नाम से जाना जाता है। यहाँ चोरियाँ और जेब कुतरे तो मामूल की बात है, और ये सब यहाँ पर सरेआम किया जाता है। इस शहर में कानून नाम की कोई भी चीज मौजूद नहीं है। यहाँ पर बहुत सी कच्ची आबादियाँ मुजरिमों से भरी पड़ी हैं, और यहाँ पर बहुत से ग्रोह रहते हैं जो हर तरह के जराइम में मुलव्वस हैं। यहाँ किसी को भी अगवा करके तावान वसूल किया जाता है, और पुलिस गलती से भी इन इलाकों में दाखिल नहीं होती, क्योंकि ये लोग पुलिस पर अंधाधुन फायरिंग कर देते हैं। इसीलिए इस शहर में कत्ल की शरह 52% है। हर महीने 1500 से ज्यादा यहाँ पर कत्ल हो जाते हैं। नंबर 4, कैली। कोलंबिया मुल्क में बसा ये शहर, जिसे यहाँ का जानदार शहर कहा जाता है, और ये कोको दरिया के मगरबी पहाड़ों के करीब बसा हुआ है। ये शहर दिलकश नजारों और खूबसूरती के अलावा जराइम के वाकयात से भरा पड़ा है। यहाँ कत्लो गारत अपने अरूज पर है। यहाँ 100 में से 40 अफराद कत्ल हो जाते हैं। कोलंबिया को दरपेश सियासी और समाजी बहरान ने यहाँ के लोगों को जराइम की दुनिया में धकेल दिया है। यहाँ की फौज हालात कंट्रोल करने में जुटी है, मगर यहाँ पर बहुत से इलाकों में स्मगलर्स, मंशियात फरोश और किराए के कातिल मौजूद हैं। कैली शहर में सबसे ज्यादा अगवा और इंसानी स्मगलिंग जैसे जराइम होते हैं। इस शहर में रात को अकेले घूमना या टैक्सी में सफर करना आपके लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। नंबर 5, फोर्टालिजा। ये शहर ब्राजील में कोस्टल रिजॉर्ट के पास बसा हुआ है, और ब्राजील के दीगर शहरों की तरह ये शहर भी गुर्बत की जिंदगी जी रहा है। ये शहर 40 लाख आबादी के साथ गुर्बत की बुलंद तरीन सतह पर है। ये शहर अपने करप्ट सिस्टम की वजह से जराइम का गढ़ बना हुआ है। यहाँ पुलिस से लेकर हर तरह के गैंगस्टर सब ने ही तबाही मचा रखी है, और इस शहर में औसतन 62 कत्ल हर महीने में हो जाते हैं। इस शहर में अगवा, चोरियां, भत्ता और कत्ल जैसी वारदातें खुलेआम की जाती हैं। अगर आप इस शहर में जाने का इरादा रखते हो तो भूलकर भी यहाँ की कच्ची बस्तियों में दाखिल मत
हो जाइएगा, वरना आप कहां गए कुछ पता नहीं चलेगा। तो दोस्तों, आपका इन शहरों के बारे में क्या कहना है, वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।